लाख घरों को उन लोगों तक मुहैया कराया जाएगा जो इसके योग्य हैं। 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ इसके लिए मिलकर काम करेगी और इसमें कम से कम समय लगे इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग और खास तौर पर कमजोर आय वाले वर्गों को घर मुहैया कराए जा सके। हम वित्त क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे ताकि इसमें जो धन की जरूरत है उसे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। एक नई योजना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर विकास की जो योजना है उसे लागू किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं, महिलाएं, युवा, उनकी की जरूरतें हैं, ये जो राज्यों की में लागू मौजूदा योजना है उनका विकल्प नहीं होगा और जो बजट आवंटित है वो इसके लिए किया गया है और इसके जो विस्तार हैं वो बजट में मेरे भाषण के एनेक्सर्स में आप देख सकते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में खास तौर पर महत्वाकांक्षी जो जिले हैं, जो चिन्हित जिले हैं, उनमें किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। 95% वो जिले जिन्हें चिन्हित किया गया था, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। खास तौर पर वहां पर जिस तरीके से जो राज्यों का एवरेज है उससे भी ज्यादा बेहतर विकास देखने को मिला है। In those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will. हालांकि फिर भी इन तमाम जिलों के अंदर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। साल 2022-23 में हमारा फोकस होगा कि हम उन ब्लॉक्स की भी स्थिति को बेहतर बना सकें। सीमा के वो इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी कम है, जहां ढांचागत सुविधाएं कमजोर हैं, और ये तमाम वो इलाके जो कि विकास के फल हासिल करने में पीछे रह गए हैं, उन्हें हम वाइब्रेंट विलेज योजना यानी जो उन्नत गांव परियोजना है उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण जो ढांचा है उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन वहां पर जो सड़कों की योजनाएं हैं, सड़क परियोजना सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। वहां पर दूरदर्शन की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, एजुकेशनल चैनल्स वहां तक पहुंचाने का प्रयास होगा ताकि लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकें और इसके लिए एक सतत वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का भी हमारा संकल्प है और साथ ही इन्हें लगातार इनकी निगरानी भी की जाएगी। साल 2022 में $1.2 lakh जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, यानी 100% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं।